हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मच्छी मार्केट गई क्योंकि हमें थोड़ी सी फ़िश लेनी थी। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नॉनवेज नहीं खाते या उन्हें पसंद नहीं है, वो इतना भाग स्किप कर सकते हो एक मिनट का, और इसके बाद आप लोग देखना। और ये देखो, यहाँ पे तरह तरह की मछलियाँ रखी हुई है। ये प्रॉन्स है, ये पापलेट है, और ये बॉम्बिल फिश है, ये रामस पता नहीं क्या है, मुझे नाम नहीं मालूम। लेकिन ये जो आप ब्लू बकेट में देख रहे हो ना, वो ऑक्टोपस है। उसका नाम कुछ और ही बता रहे थे लेकिन मैं भूल गई। ये देखो, ये वापस से बॉम्बिल फिश आ गई। हमने ये भी बाय की थी और दो और तरह तरह की मछलियाँ बाय की थी हमने मार्केट से। मुझे बहुत हिचकी आ रही है कब की, पता नहीं कौन मुझे याद कर रहा है। मच्छी मार्केट जाने के बाद हम फ्रूट्स लेने गए, हम सब्जी लेने गए, और उसके बाद हम थोड़ा सा नाश्ता करने गए। तब तक मम्मी का फ़ोन भी आ गया था कि त्रिशु बोर हो रहा है, आप लोग जल्दी आ जाओ। और अब ये देखो, ये देखो भाई, ऐसे कौन खेलता है। त्रिशि, तो वापस से मेरा एक पार्सल आ गया है नायका से, लेकिन इस बार इसकी प्राइस से मुझे पता है कि इसमें क्या है। तो चलो अभी इसको भी ओपन कर लेते हैं, और मेरा एक पार्सल कहीं और भी आया है बाज़ार में, वो भी अभी कलेक्ट करने जाना है, वो हमें खुद जाना पड़ेगा। तो पहले ये पार्सल ओपन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पार्सल जो मैंने बोला था कि वो मुझे खुद कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तो ये मैं मेरा पार्सल लेने आ गई हूँ यहाँ पे। तो बहुत धूप थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो पहले पार्सल लेके आते हैं। तो हम पहले पार्सल लेने पहुँच गए थे। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ मेरा पार्सल लेके वापस घर। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ तो गर्मी से ज़्यादा तो धूल मिट्टी से परेशान हो गई, और मुझे बाल भी इतने धूल मिट्टी, मुझे 2 दिन के बाद हेयर वॉश करना था क्योंकि 2 दिन के बाद नवरात्रि है। तो लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब भी हेयर वॉश करना पड़ेगा, और मुझे अब भी नहा लेना चाहिए ऐसा। मुझे इतना धूल मिट्टी वाला शरीर लग रहा है मेरा, लेकिन चलो फिर भी पार्सल आया है तो मेरा मन ललचा रहा है कि पहले मैं पार्सल ओपन करके देखूं और फिर नहाने जाऊं। ये देखो, ये सीधे जाएगा गेहूं में खेलने, और इसने गेहूं जो मम्मी ने ताप में सुखाने रखे थे उसकी क्या हालत की, अभी गिर जाएगा। मम्मी भी मेरे पीछे पीछे आ गई है, उसको भी दिलचस्पी है कि क्या होगा पार्सल में। नथी फटाफट खोलने भी लगी। एक्चुअली पार्सल में है मेरे कुछ कपड़े जो मेरी मासी ने वहां से सिल के भेजे हैं। सुबह कल मैंने फिर कुछ भी सूट नहीं किया था, और आज सुबह सुबह हो गई है घर की मरम्मत शुरू। तो मैं आपको दिखाती हूँ,
ये देखो गाइस, ये मेरा घर है और ऊपर से वो जो सीधा वाटा लगा हुआ है ना, वो वाटा ठीक करवा रहे हैं ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना आए। वैसे इसे यही बारिश में ठीक करवा लेना था, लेकिन फिर देखो यहाँ पे ये नीचे गिरा रहे हैं। तो योमेश ने यहाँ पे दो फूलों की डाल, सॉरी पेड़ पौधों की डाल लाके रख दी है ताकि कोई इससे गाड़ी स्लो रखे। तो ये देखो, ये गाइस मेरा घर है, आप कभी भी आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरे घर आने के लिए आपको मेरा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो इफ़ यू लाइक। ये भी मेरा घर है, लेकिन ये पुराने वाला घर है और ये नए वाला, ये भी अभी तो पुराना ही हो गया है, लेकिन ये मेरा घर है। ये देखो यहाँ पे है योमेश, ये खोल, ये देखो सुबह सुबह नाश्ते में मैं आज ले रही हूँ समोसा। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और कल मैंने हेयर स्मूथनिंग के बाद पहली बार हेयर वॉश किए थे, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छा है, मुझे ये बाल पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज घर पे बहुत काम है, घर की मरम्मत चल रही है जो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया ऑलरेडी, और मुझे एक वीडियो और भी शूट करना है। तो चलो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, मेरे हेयर कैसे लगे वो मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों को ये हेयर ट्रीटमेंट करवानी है या हेयर से रिलेटेड कुछ भी करवाना हो, तो आप लोग नवशहरी में रहते हो तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। अच्छा चलो, बाय बाय गाइस।